2-3 दिन पहले भी मेरे सामने एक बात आई थी, मेरा एक दोस्त है या था, मतलब वैसा नहीं कि गया, मतलब वो मेरी फ्रेंड लिस्ट से गया। मैं कहूँ कि मुझे मालूम उसके घर से पड़ा कि अपने पेरेंट्स को डांट भी सकते हैं। वरना यहाँ तक होता था, जहाँ से पार्टीशन नहीं दिख रहा आपको, जो सामने जो ब्लैक एंड ग्रे के बीच में एक पार्टीशन है, पानी वहाँ तक हुआ करता था। आई एम इन लव विद हर यार। आज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो मेरे ना कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि 2-3 प्लान्स हैं बस, कि क्या करना है। एक तो यहाँ पे कुछ स्टिकरिंग करवानी है मेरे को इस साइड, उसके बाद इसको सबसे पहले तो कराऊंगा वॉश, उसके बाद ये मास्क क्या है यहीं फंसा जाता हूँ, मैं इसे घर जाके फेंक दूंगा। यह है इस कार्तिक का होगा, जो कि किसने कल यहाँ पे फंसाया होगा और ये फंसा के ही छोड़ गया। बाकी हद से ज़्यादा गंदी हो रही है इस टाइम पे, मुझे इसे क्लीन भी कराना है अभी। गाइस वैसे पता है, मैंने एक चीज़ देखी है, इस जगह पे ना कभी भी आ जाओ चाहे, लेकिन लेकिन मौसम सही होना चाहिए यहाँ, चाहे किसी के साथ आओ किसी के बिना आओ, आप बस अपनी बाइक लेके स्कूटी लेके कार लेके यहाँ चले आओ और एक बार ना शांति से बैठ जाओ, बहुत मज़ा आता है। आज मंडे है या ट्यूसडे, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कार्स वगैरह, जो भी टूरिस्ट की कार्स है, जो भी लोकल कार्स है, बहुत सारी आ रही है। इसका मतलब लोग का आना जाना यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। नहीं, एक बात ना आज मेरे को दिमाग में आ रही थी कि क्या है ना, मैं आज जो भी कर रहा हूँ फिलहाल, मैं अपने फ्री टाइम में आके यहाँ चीला तक आ गया हूँ इतना। अभी हम सबके पेरेंट्स जो हम सब दोस्तों के यहाँ मतलब धीरे धीरे करके खुलने शुरू हुए हैं, वरना पहले ऐसा नहीं होता था कि हम कभी भी कहीं भी अपनी बाइक उठा के स्कूटी उठा के आ जाए। पहले हम साइकिल उठा के ही नहीं आते थे, तो उस बाइक स्कूटी तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। तो हम लोग आए, अब ऐसा हो गया कि हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को हम पे इतना ट्रस्ट हो चुका है। लेकिन बस ये बात लगती है ना कि इस चीज़ को हमको करके रखना है मेंटेन, तो उसके लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना है, खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कैमरा ऑन नहीं है तो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत देख के करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि वॉट एवर यू आर डूइंग टुडे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते, मैंने बहुत लोगों को देखा कि अभी 2-3 दिन पहले भी मेरे सामने एक बात आई थी, मेरा एक दोस्त है या था मतलब वैसा नहीं कि गया, मतलब वो मेरी फ्रेंड लिस्ट से गया। सो उसके मन में 1% की रिस्पेक्ट नहीं थी अपने पेरेंट्स के लिए, वो कुछ भी बोलता था उन्हें, कभी भी डांटना सुनाना। मैं कहूँ कि मुझे मालूम उसके घर से पड़ा कि अपने पेरेंट्स को डांट भी सकते हैं या ऐसे गुस्सा भी कर सकते हैं, मतलब एक चलो ये तो एक वो हो गया मजाक के में, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब वो चीज़ ना देख के यार नहीं अच्छी लगती थी कि तुम उन लोगों ने इतना करा यार तुम्हारे लिए, तुमको इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन तुम्हारे मन में शर्म नहीं है एक पैसे की भी। तो बस ये कह रहा हूँ कि हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट मत करना। कभी कभी मालूम है गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं कि वो हर बार सही होते हैं, कभी कभी आप भी सही होते हो, लेकिन आपको मानना पड़ता है कि नहीं तुम ही गलत हो। सो इसलिए बता रहा हूँ कि मान लेना, अगर कभी वो ऐसा भी करें तो मान लेना कि हाँ भाई तुम ही गलत हो, क्योंकि उन लोगों ने जो किया है ना तुम्हारे लिए, तुम उस चीज़ का कभी भी हिसाब नहीं कर सकते। जैसे अभी आप मेरा ही ले लो एग्जांपल, उसमें क्या है कि आज अगर मैं एक मॉडिफाइड रॉयल इनफील्ड पर घूम रहा हूँ, इतना महंगा कैमरा लेके घूम रहा हूँ, इतना महंगा ट्राइपॉड लेके घूम रहा हूँ, अच्छा हेलमेट लेके घूम रहा हूँ, मेरे को फ्रीडम मिल रखी है, वो क्यों मिल रखी है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो मेरे को दे रहे हैं ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे वो आपको बहुत सारा चीज़ें नहीं दे पा रहे हो, वो आपको कुछ भी चाहिए, मान लो बहुत महंगा फ़ोन है, इट्स एन आईफोन और इट्स अ बहुत महंगा फ़ोन, बहुत महंगा कैमरा, नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों से प्यार नहीं करते या आप लोगों की कदर नहीं करते, वो ये है कि बस वो दे नहीं सकते, मतलब वो उनकी कैपेबिलिटी उतनी होगी यार, तो नॉर्मल सी बात है। और कुछ मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपनी मतलब वो लिमिट से ऊपर जाके आप लोगों को चीज़ें ला के दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वरना कुछ को मैंने देखा है बॉस, वो मैं बता रहा हूँ, मेरे ही बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब दोस्तों नहीं खैर कहूँगा मैं उनको, कहूँगा मेरी जान पहचान के लोग हैं, कि उनको कदर नहीं है उस चीज़ की। उनको मैंने देखा है वो महंगे महंगे फ़ोन ना, जो उनके माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा कमा के उनको ला के दे रहे हैं कि लो तुम ये यूज़ करो, तो वो उसको पटक रहे हैं, तोड़ रहे हैं गुस्से में कि भाई, और ना उसको फिर इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि बॉस मैंने ये फ़ोन ना ऐसे करके तोड़ दिया, या उनके दोस्त डाल रहे हैं कि देखो भाई का गुस्सा, तेरा भाई है। तो आगे सब अपने को चलना चाहिए, इट्स 11:20 राइट नाउ, और मुझे नहीं पता कब धूप आ जाए, अगर धूप आ गई तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और मेरा मूड ख़राब हो गया तो मैं चलाऊँगा बाइक बहुत ज़्यादा तेज़,
मैं नहीं चलाता हूँ, जैसे मजाके में था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मूड ना ऑफ सा हो जाता है, फिर ना ढंग का व्लॉग करने का मन करता है, क्योंकि कड़ी धूप होती है, गर्मी छा रखी होती है। वैसे अभी भी यही हाल हो रहा है कि बहुत सारा ह्यूमिडिटी सी हो रही है, मैं बैठे बैठे पूरा पसीने में हो गया। लेकिन हाँ ओके, अभी यहाँ से चलते हैं और आपको मिलता हूँ सीधा बाइक पे। अभी टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, तो फटाफट चलते हैं। मैं ही हेड पे इसलिए पहनता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, मेरा हेलमेट हल्का सा लोगों ढीला है, और इससे क्या है बालों की थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है कि आपको पसीना बालों में ही नहीं जाता, और मेरा हेलमेट इससे थोड़ा बहुत टाइट भी रहता है।